दोस्तों बुरहानपुर की स्थापना तेरह में खानदेश के फारूकी राजवंश द्वारा की गई थी 1601 में अकबर का अधिकार बुरहानपुर पर हो गया उसके बाद से ये शहर लगातार मुगलों के दक्कन मुख्यालय के रूप में बना रहा जब तक औरंगजेब ने सोलह में राजधानी को औरंगाबाद स्थानांतरित नहीं किया इतने लंबे समय के दौरान यहाँ अलग अलग राजवंशों ने अनेकों इमारतों का निर्माण करवाया जिनके खंडर आज भी आपको बुरहानपुर के हर कोने में मिल जाएंगे हमें एक मस्जिद के खंडर दिखाई दे रहे हैं आइए आपको नज़दीक से जाकर दिखाते हैं कि किस तरह की मस्जिद हुआ करती थी ये देखिए दोस्तों उसी वक्त की हम अभी आहूखाना आए थे जहाँ पर मुमताज महल की कब्र बनाई गई थी टेम्परेरी छः महीने के लिए उनको उनके शव को यहाँ पर रखा गया था और जहाँ पर वो शिकार हिरन का शिकार करने के लिए आती थी बुरहानपुर में वो जगह हम आपको भी दिखा रहे थे तो सामने हमको मस्जिद दिखाई दी ये देखिए ये उसी वक्त की मस्जिद है और शाहजहाँ ने ही इसका निर्माण करवाया था ऐसा यहाँ के जो स्थानीय लोग बताते हैं अभी ये बिल्कुल खंडर है और आप देख रहे हैं इसके दो इसकी दो मीनारें अभी भी मौजूद हैं लेकिन पीछे की जो बाकी मीनारें थीं या इसकी जो छत थी वो सब की सब टूट चुकी है सिर्फ दो मीनारों के साथ ये मस्जिद खड़ी हुई है शाहजहाँ के समय की बनी हुई ये मस्जिद बुरहानपुर के बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में बिल्कुल बाहर की तरफ जो है ये मस्जिद के का खंडहर आप देख रहे हैं ये देखिए दोस्तों 400 साल पुरानी ये मस्जिद जो बुरहानपुर के आउटस्कर्ट्स में जहाँ पर आहू खाना बना हुआ है आहू खाना जहाँ पर मुमताज महल हिरणों के शिकार के लिए आती थी उसके बिल्कुल सामने जो है ये मस्जिद आप देख रहे हैं इसमें दो मीनार सामने के मीनार जो हैं वो बचे हुए हैं बाकी पूरी मस्जिद खंडर है और तीन तरफ़ की दीवारें इसमें आप देख रहे हैं मुगलों के समय का ये कंस्ट्रक्शन दोस्तों ये देखिए छोटी ईंटों से इसका निर्माण किया गया है और ये एक मस्जिद जो उसी वक्त बनाई गई होगी आज भी मौजूद ये देखिए अभी बिल्कुल खंडर है इसमें नमाज वग़ैरह कुछ पढ़ा नहीं जाता है इसके चारों तरफ आप देख रहे हैं पत्थर बिखरे हुए हैं जिनको सफ़ेद रंग से चूने से निशानदेही की गई है शायद ये मस्जिद मौजूद थी उस एक पवित्र पूजा की जगह तो शायद उसको दर्शाने के लिए ऐसा किया गया होगा या फिर क्या पर्पस इसका है वो तो हमें पता नहीं लेकिन आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये मस्जिद आज भी मौजूद है लगभग 400 साल पुरानी ये मस्जिद जो आहू ख़ाना से महज़ 600 मीटर की दूरी पर स्थित है आज भी मौजूद और मस्जिद के साथ में दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा मकबरा बना हुआ है इसका इतिहास तो मालूम नहीं है हमको लेकिन ए, मस्जिद जो थी उसके साथ में ही ये एक छोटा सा मकबरा बना हुआ है चलिए आपको मैं कोशिश करता हूँ इसको थोड़ा नज़दीक से दिखाने की लेकिन ए, मस्जिद और इस मकबरे के बीच में एक बहुत ही गहरी खाई बनी हुई है दोस्तों अभी जो गहरी खाई है इसका क्या मकसद होगा वो तो नहीं कह सकते मगर मैं आपको दिखाता हूँ ये खाई भी जो मस्जिद के साथ से गुजरती है और बहुत ही गहरी खाई दोस्तों ये देखिए ये देखिए ये आप देख रहे हैं मस्जिद और ये देखिए गहरी खाई बेहद गहरी खाई बनी हुई है इसका पर्पस क्या था ये तो समझ नहीं आया मुझे लेकिन बनी हुई है और ये जो खाई है इसके उस पार में वो देख रहे हैं सामने एक मकबरा देखिए यहाँ से आपको दिखाई देगा ये रहा सामने एक मकबरा ये देखिए दोस्तों ये खाई जो मस्जिद के बिल्कुल साथ में बनी हुई है ये देखिए और इस खाई के ठीक ऊपर से आप देखिए ये एक मकबरा बना हुआ है ये देखिए ये देखिए ये एक मकबरा बना हुआ है जो पुराना मकबरे जैसा लगता है अब किसका मकबरा है और क्या है ये तो नहीं कह सकते क्योंकि इसके नज़दीक जाने के लिए भी बहुत घूम के जाना पड़ पड़ेगा ऐसा लगता है रास्ता दिखाई नहीं दे रहा चारों तरफ बिल्कुल उबड़ खाबड़ जंगल है दोस्तों झाड़ियाँ हैं और खाइयाँ हैं चारों तरफ और इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि घास फूस उगा है